Good morning, my dear students, our parents, my principal sir and all my teachers. So today you can see I don't have pen nor I have marker. I have broom in my hands, and as you all know, this broom is used to clean our surroundings. So today, on the occasion of Gandhi Jayanti, I would like to clean our area. So as you can see, this area is a little bit filthy, it's dirty, and it is not the area of our house, it's a common area of our apartment, so nobody takes care of common places. हम अपने घर को साफ सुथरे रखते हैं, हम अपने आस पास की चीज़ों को भूल जाते हैं. Like many people, what do? वो अपने घर का कूड़ा निकालते हैं और उसे बाहर ले जाकर फेंक देते हैं. But you should understand that our earth is also our home. So I would like to quote Gandhiji's words. He said that our future depends on what we do on our present. So जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारा अर्थ जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, एवरी डे इट्स गेटिंग पॉल्यूटेड. तो अगर हम अर्थ के लिए आज कुछ नहीं करना शुरू करेंगे तो कल को हम जाके बहुत ज़्यादा पछताएंगे, एंड आवर फ्यूचर जनरेशंस विल नॉट गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ. सो आज हम क्या करने वाले हैं, वी विल क्लीन दिस एरिया विच इज कॉमन एरिया, नोबडी बॉदर्स अबाउट, एंड वी विल ऑल्सो प्लांट वन सैपलिंग. सो लेट्स स्टार्ट. I'll start with this corner because it's looking a little bit dirty. So it's time to clean. And I am not feeling any kind of shame in doing this, because I would also like to tell you one story. So one day, students, what happened? एक दिन क्या होता है कि बाहर से आवाज आती है कि कूड़े निकालो कूड़े निकालो, जैसे कि आपके घर के बाहर भी आता होगा, कूड़े वाली गाड़ी आती होगी. सो एक बच्चा अपने मम्मी से बोलता है, मम्मी मम्मी कचरा वाला आया, मम्मी कचरा वाला आया, कूड़ा निकालो घर का. तो मम्मी अपने बेटे को समझाती है, द मदर सेज दैट बेटा वो कचरा वाला नहीं है, क्योंकि वो तो कचरा उठाता है, वो साफ करता है, कचरे वाले तो हम हैं, क्योंकि कचरा तो हम निकालते हैं. सो ये चीज़ें सुन के उस बच्चे को ये फील होता है कि हाँ, मेरी माँ सच कह रही है, दैट वी लिटरेट पीपल, हम पढ़े लिखे लोग सोसाइटी को गंदा करते हैं, एंड दोज हु आर इलिटरेट, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, बट वॉट डू दे डू, मैक्सिमम स्वीपर्स क्या करते हैं, वो हमारे देश को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं, बट हम उन्हें क्या कहते हैं, कचरे वाला. So I will show you this area once again once it is get cleaned.